हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भावना सारस्वत। कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा सैंडविच स्वाति भामरा के स्टाइल में। तो हम शुरू करते हैं। स्वाति भामरा के स्टाइल में पिज़्ज़ा सैंडविच बनाने के लिए हमको चाहिए कटे हुए टमाटर, पनीर, उबला हुआ मटर, कटे हुए प्याज, चीज़, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, बटर, कुछ चिली फ्लेक्स एंड ओरिगेनो फ्लेक्स, इसके बाद ब्रेड। इसके बाद मैं ले रही हूँ अमूल चीज़ स्प्रेड। आपके पास जो हो आप वो ले सकते हैं। जैसे मेरे पास कॉर्न और शिमला मिर्ची नहीं थी, मैंने पनीर और मटर ले लिया उसकी जगह पर। तो टॉपिंग्स के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। उनके पास कॉर्न और शिमला मिर्ची थी और मेरे पास ओरिगैनो फ्लेक्स पड़े थे, मैंने ले लिए। इसके बाद हम एक बाउल में सारी वेजीज़ को मिक्स करेंगे। प्याज हमने मिक्स कर ली है, टमाटर हमने मिक्स कर लिया। इसके बाद हम मटर को डालेंगे और अब हम डालेंगे इसमें पनीर और इसके बाद सबको हम मिक्स कर लेंगे और इसमें हम ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे और सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। बढ़िया तरीके से हमने यहाँ सबको मिक्स कर लिया है एकदम अच्छे तरीके से। इसके बाद हम इसमें कुछ ओरिगैनो फ्लेक्स डाल रहे हैं। एक्चुअली मैंने तो पिज़्ज़ा मंगाया था थोड़े दिन पहले, उसी के मेरे पास कुछ पैकेट्स पड़े थे तो मैंने वही डाल दिए हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है, जैसे उनके पास नहीं थे तो उन्होंने नहीं डाले थे, तो आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। ये हमने ओरिगैनो फ्लेक्स डाल दिए। इसके ऊपर से अब हम डाल देंगे कुछ चिली फ्लेक्स। ये हमने चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं अच्छे से, दो पाउच मेरे पास पड़े हुए थे तो वो दो पाउच ही मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके बाद हम इनको क्या करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने दो ब्रेड ले लिए हैं जिसके ऊपर ऑलरेडी बटर पहले से लगा दिया है और वो अमूल चीज़ स्प्रेड भी मैंने लगा दिया है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दिया है और अब मैं क्या करूँगी, एक पैन लूँगी। गरम हो रहा है, उसमें बटर डाल दिया है और ये जो ब्रेड है मैंने उसमें रख दिया है। एक्चुअली मैंने इसमें पहले रखा सब्जी, इसमें बाद में इसलिए डालूंगी कहीं वो टूट ना जाए, भारी हो जाता है तो। और अब मैं इसके ऊपर खूब सारी वेजीज डाल दूंगी अच्छे से, जो मैंने मिक्स करके रखी हुई थी। मुझे थोड़ा जुकाम हो रहा है तो प्लीज़ अवॉइड करना। सारी वेजीज मैंने इसके ऊपर अच्छे से डाल दी हैं और इसके ऊपर मैंने चीज़ भी खूब सारा डाल दिया है। चीज़ तो आप जितना डालो उतना ही सैंडविच यमी बनेगा। बढ़िया तरीके से मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, जो दूसरा ब्रेड था उसे हम इसको कवर कर देंगे। दूसरे ब्रेड से मैंने इसको कवर कर दिया है, जब मैंने इसको एक प्लेट से ढक दूंगी उससे क्या होगा, स्टीम बनेगी और ये अच्छे से पक जाएगा। अब देखते हैं हमारा कैसा बना है। इसको मैं आप सामने कट कर रही हूँ, ये देखिए कैसा बना है। मुझे तो काफ़ी यमी लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही यमी था जिसको मैंने कोल्ड ड्रिंक के साथ खाया था। और यहाँ पे हम थोड़ा सा गार्गी को भी चिढ़ाएंगे। गार्गी खाना है? गार्गी अब दोनों हाथ लगा रही है, देव ये दो ये दो ये दो यार मेरी ये तो बदतमीज हो रही है बस। तो गाइस, स्वाति भामरा के स्टाइल में बनाए हुआ अगर आपको मेरा पिज़्ज़ा सैंडविच पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस पर कॉमेंट करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पक्का से प्रेस करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो बनाऊंगी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।